Bismillahir Rahmanir Rahim. Subject Mathematics. Class 6. Unit 8. Page number 88. Topic Algebra. Introduction to Algebra. What is Algebra? A problem in which one or more number is unknown is called Algebra. Second definition of Algebra. So, the branch of mathematics in which samples are used to represent number or variables in arithmetic operation. So, iske baad topic statement. A mathematical sentence that is either true or false is called statement. स्टेटमेंट हमारे पास वो है जो सही हो या गलत हो, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं. इसके बाद हमारे पास है ओपन सेंटेंस. व्हाट इज ओपन सेंटेंस? अ सेंटेंस हू स्टेटस इज अनडिसाइडेड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इन ओपन सेंटेंस. सो ओपन सेंटेंस हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल न हो. सो इसके बाद हम सेटिस्फाई. व्हाट इज सेटिस्फाई? अ न्यूमेरिकल दैट मेक्स एन ओपन सेंटेंस ट्रू इज सेड टू बी सेटिस्फाई द स्टेटमेंट. इसके बाद हमारे पास अदर टॉपिक वेरिएबल. अ सिंबल आर अ लेटर हूज वैल्यूज वरीज इज कॉल्ड वेरिएबल. It is usually denoted by small English alphabet A, B, C up to Z. So, other topic constant. A symbol having a fixed numerical values is called constant. Now we solve exercise 8A. So, in 8A, page 90. Question number first. Find the values that satisfy the following statement. So, question number one, part A. 4:5 is equal to 16:. So, ये मालूम करने हैं तो इसकी जगह हम x put करेंगे. Any value आप put कर सकते हैं, any variable दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम x use करते हैं तो हमने ना मालूम वैल्यू के लिए x पुट किया. सो 4:5 इज इक्वल टू 16:x. सो इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन यूज करें तो 4x के साथ एंड 5:16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 16. सो x मालूम करना है तो हम x या 4 बोथ साइड डिवाइड करेंगे. सो 5 मल्टीप्लाई 16 बाई 4. सो हमारे पास नीचे x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4. सो एफ पी मल्टीप्लाई 5 बाई 4. सो हमारे पास 20. सो x इज इक्वल 20. सो हम या x की जगह 20 पुट करें तो ये हमारे पास सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये ट्रू हो गया तो इसको हम सेटिस्फाई कहते हैं. सो पार्ट बी. 5% ऑफ 200. सो हम ये मालूम करते हैं. सो सॉल्यूशन 5% ऑफ 200. सो 5 बाय 100 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लिखा 200. इसके बाद कैंसलेशन करेंगे. सो स्टूडेंट की आसानी के लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 0 के साथ कैंसिल करेंगे. सो ऊपर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई अपनी जगह, 2 अपनी जगह. सो 5 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर 10 आएगी. सो इसके बाद पार्ट सी. 78 प्लस इज इक्वल टू 100. सो सॉल्यूशन या हम अननोन मालूम करेंगे. सो 78 प्लस अननोन की जगह हमने एक्स पुट कर लिया, इक्वल अपनी जगह, 100 अपनी जगह. सो क्योंकि हम या एक्स मालूम करते हैं तो 78 के रेसिप्रोकल, क्योंकि प्लस हमारे पास प्लस इनवर्स माइनस है, माइनस इनवर्स प्लस है, मल्टीप्लाई इनवर्स डिवीजन है, डिवीजन इनवर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है. तो यह हमारे पास
एडिशन है तो एडिशन हम सब्ट्रैक्शन के साथ कैंसिल करें तो हम यहाँ हमारे पास 78 है, 78 इनवर्स हमारे पास माइनस 78 है प्लस एक्स इजिकल 100 माइनस 78। सो 78 78 के साथ कैंसिल करें, एक्स अपनी जगह इजिकल टू 100 माइनस 78 तो हमारे पास 22 आएगी। इसके बाद पार्ट डी, सो 1.2 मल्टीप्लाई अननोन इजिकल टू 6.0। तो इसके बाद सॉल्यूशन 1.2 मल्टीप्लाई एक्स इजिकल टू 6.0। तो हम x मालूम करते हैं तो x के साथ हमारे पास 1.2 है, ये मल्टीप्लिकेशन है। हमने पहले भी कहा कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हमारे पास डिवीजन है, तो हम 1.2 बोथ साइड डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास x इजिकल टू 6.0 डिवाइड बाई 1.2। तो इसके बाद हम 6 डिवाइड बाई 1.2, सो हम जब ये डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर 5 आएगी। सो आंसर विल बी 5। सो क्वेश्चन नंबर ई, 3/4 मल्टीप्लाई अननोन इजिकल टू 75। सो सॉल्यूशन 3/4 मल्टीप्लाई, क्योंकि अननोन की जगह हमने एक्स पुट किया, इजिकल टू 75। सो टेकिंग रेसिप्रोकल 3/4, सो हमारे पास 4/3, क्योंकि हमारे पास 3/4 के रेसिप्रोकल 4/3 है, तो 4/3 टेकिंग ऑन बोथ साइड। सो 4/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई एक्स इजिकल टू 75 मल्टीप्लाई 4/3। तो इसके बाद कैंसलेशन करेंगे 3 के साथ, 4 के साथ, या x इसके बाद 75 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 4। सो x इजिकल टू 25 मल्टीप्लाई 4। तो इसके बाद हम 25 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आंसर 100। सो x इजिकल टू 100। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे।